माइंड ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं आज 3 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। स्पेस एक्स अंतरिक्ष से लोगों को वापस लाने वाली पहली कंपनी बनने जा रही है। यदि हम इन अंतरिक्ष यात्रियों की बात करें तो इनका नाम है डग हर्ली और बॉब बेनकेक। अगर हम स्पेस एक्स की बात करें तो इसके ऑनर का नाम है एलोन मस्क। इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। संयुक्त अरब अमीरात मतलब UAE अब अरब देशों में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया है। अगर पूछा जाए कि UAE में कहाँ, तो अबू धाबी में, और अगर परमाणु संयंत्र का नाम पूछा जाए तो बराक। BCCI ने महिला IPL कराने की घोषणा करी है। अगर BCCI की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, सौरव गांगुली, और बात करें इस सीरीज का क्या नाम रहेगा तो चैलेंजर सीरीज। संजय धोत्रे ने रेडियो नेटवर्क पर आधारित भारत एयर फाइबर सेवा का उद्घाटन किया। यह सर्विस प्रोवाइड कौन करेगा, BSNL कंपनी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर भारत मिशन को मंजूरी दी। यह किस मंत्रालय के अधीन आता है, MSME, जिसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भी कहते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO के कार्यकारी बोर्ड के ब्यूरो की बैठक की अध्यक्षता की। अब बात करें हम WHO की तो हाल ही में अमेरिका इससे बाहर निकल गया है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसकी स्थापना की बात करें हम तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर कमल रानी वरुण का कोरोना बीमारी से निधन हो गया। ये 62 वर्ष की थी। तमिलनाडु में आदि पेरुक्कू त्यौहार मनाया गया। यह मनाया किस लिए जाता है, जल को श्रद्धांजलि देने के लिए। यह मुख्यतः कावेरी नदी के लिए मनाया जाता है।